जयशंकर प्रसाद जी जी, ये बाबू देव प्रसाद जी हमारे पितामह के पिता बाबू देव प्रसाद जी, और ये हमारे दादा हमारे पितामह की तीसरी धर्म पत्नी जी कमला देवी जी। और कोई दिखाने योग्य स्थान? जी अभी ये सारी चीजें जी तब्दील नहीं हुई हैं, एज इट इज है जी। जैसे उस जी सौभाग्य है कि एज इट इज है, एज इट इज है, लेकिन वो थोड़ा सा जीर्ण कंडीशन में जी, इतनी साल प्राचीन है तो वो सौभाग्य मतलब स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी हो जाएगी। ये शिव रतन साहू जी हैं जी, ये मैंने इनके हमारे पितामह के प्रपितामह जी जी, और यही स्थान रहा यहाँ पर सुमनी सूती बनता था कारखाना, जो उसके पीछे ही वो है वो कारखाना, उसमें इत्र वगैरह सब रहते थे जी, जो वो सभी यहाँ पर एक चौकी रखी थी जी, उस पर प्रसाद जी अक्सर जी केसर कस्तूरी घोटते थे, उसके संग संग कामायनी की लाइन भी लिखते थे जी। जब उनकी भाव पक्ष प्रबल हो जाता था जी, तब केसर का जो बट्टा था वो रुक जाता था और एक छन्न लिख देते। वाह क्या बात, उसका प्रमाण है कामायनी के पांडवी, कदाचित वो इस समय यहाँ पर नहीं तो आपको दिखाया जाता जी, उसमें आज भी केसर के छिटके पड़े हुए हैं। वाह बड़ा सुंदर चित्रण आपने खींच दिया आंखों के सामने। और यही देखिए ये तांबे का कड़ाहा है जिसमें तम्बाकू की पत्तियाँ उबाली जाती थी जी, उबाली जाती थी और उसके बाद तम्बाकू जी, वो उस वक्त तम्बाकू का देखिए प्रचलन ये था कि लोग हुक्का में गुड़गुड़ी के लिए पीते थे उस वक्त जी, तो वो तम्बाकू की पत्तियाँ इसमें बॉइल की जाती थी, फिर उसके बाद और उसके कंपोनेंट उसमें मिलाए जाते थे केसर कस्तूरी, तब वो पीने योग्य बन जाता था हुक्का में लेकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यही और ऊपर उन जाते थे कि ऊपर कमरा वगैरह है उनका? कोई नहीं, कोई कमरा वगैरह नहीं है, सब ध्वंसावशेष है समझ लीजिए। रचनाओं से देखिए प्रसाद साहित्य जो था जी जी, वो सब में एक है, जो भाव कामायनी में है वही चंद्रगुप्त में है, वही स्कंदगुप्त में है जी, और वही ध्वंसावनी में है, वो सारी चीजें हैं। अब उनको अलग अलग भागों में नहीं, मतलब जो प्रसाद जी की एक विशेषता रही है कि इतिहास को साहित्य में प्रोकर जो उन्होंने परोसा है वो जीवंत कर देता है इतिहास को, जो भी भाव रहा हूँ जी वो सब में एक रहा है। ठीक है, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग अलग रहा जी, चाहे काव्य हो कहानी हो नाटक हो, उसमें अलग रहा, लेकिन भाव एक ही था उनका। भाव मूल यही था कि जो उस समय की वर्तमान स्थिति थी युवा को जोश से भर देना। प्रसंग तो आपको याद ही होगा जब वो ये चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त दिख चुके थे जी, तो मुंशी प्रेमचंद जी और वो अक्सर बिनियाबाग पार्क में टहलने जाते, ये प्रसंग तो आप लोग जानते हैं। नहीं आप एक बार स्मरण करा दीजिए। सुबह में इधर से हमारे पितामह जाते थे तो उधर लम्ही से प्रेमचंद जी आते, यहाँ विक्टोरिया पार्क पर बिनिया पार्क वहाँ पर दोनों लोग टहलते थे, तो कहता कि तुम्हें प्रेमचंद जी ने कहने क्या क्या वो पुकारते थे उनको बाबू साहब, क्या बाबू साहब आप क्या गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो, उनको प्रश्न दिख रहे जी, तो उनको मार पीछ कर तब उन्होंने तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कंकाल की रचना। उसी प्रकार उसी समय उन्होंने ने कहा कुछ इस दौर उस वक्त वो गबन जी प्रेमचंद जी, उसके बाद उन्होंने कंकाल का कतारी आजाने की रावती जो अभी इनकम्प्लीट है। हाँ हाँ जी, हमारे पिताजी हम लोग भी पूछे कंक इराव 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 हमने कहा, तो क्या मुझ में साहस नहीं कि मैं उसे कंप्लीट कर सकूं। अच्छा क्योंकि वो उपन्यासकार का कहानीकार के भाव के प्रति अन्याय होगा। नहीं नहीं बिल्कुल
हम क्या जाने उसका भाव क्या था। लेकिन कई ऐसे और साहित्यकार भी हुए हैं जिन्होंने उनके पुत्र ने उनकी किताबों को पूरा करके प्रेरित किया है। अच्छा, मैं ये दुस्साहस नहीं कर सकता। तो इस पीढ़ी में करना चाहेगा कोई दुस्साहस? राजीव, हमको तो करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके बाद की पीढ़ी देखिए। हम तो आई एम बीइंग साइंस स्टूडेंट। जी जी, मैं यहाँ बी एच यू का बोर्ड में इसमें बॉटनी का जी जी इस कॉलेज में जिसमें दाखिल पढ़ी वहाँ, उसके बाद हम सीधे बी एच यू में गए जी, वहाँ से बॉटनी का कदाचित हमको फॉरेन जाना था। हमने टॉफी भी क्वालिफाई कर दिया था जी, लेकिन पिताजी के अनुशासन होने का हमने उसका मलाल जरूर है, लेकिन डेस्टिनी सौभाग्य है। मतलब यही है कि जहाँ हैं वहाँ खुश हैं और अपना कर रहे हैं जो भी। हम लोग भी बीएड